पिछले क्लास में क्या हुआ, कुछ कमी लोग आए थे, उसके क्वेश्चन वगैरह कुछ कुछ करवाया था शायद पिछले क्लास में। क्वेश्चन भी दिया गया था क्या, होमवर्क भी दिया गया था क्वेश्चन? तो परसों का है ना? नहीं, ये जीवी सैटरडे का क्लास है, उसमें ना कुछ होमवर्क दिखा गया डिस्कशन किए थे हम लोग। अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का मोशन हो तो उसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो तो दो ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन कर रहा हो उसके बीच कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, दो आदमी है ए और बी, इसका नाम ए रख दिया गया, इसका नाम बी। दो आदमी लड़का लड़की को नाम इनिशियली इनके गैप, इनके बीच का दूरी कितना था? 100 मीटर। 100 मीटर का गैप है, ये यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, यहाँ से चलना शुरू कर रहा है। इसका इनिशियल वाला से 0 है, लेकिन एक्सीलरेशन कितने के बराबर है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट वेलोसिटी आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। डिस्कशन कुछ करना है कि जो पीछे वाला है ए बी को कभी पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, पकड़ेगा तो कब पकड़ेगा, वही सब कुछ बात यहाँ पे करना है। तो लिख लो क्वेश्चन और डिटेल में। वाई ए स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड move with constant acceleration 2 meter per second square and 2 meter per second square while he move with velocity 10 meter per second. Initial separation जो है between 100 meter. Initial separation ये भी कुछ 100 meter है। पहला क्वेश्चन find time when A will catch the
find distance traveled by के द्वारा दूरी कितना तय किया गया हो वो निकालना है। नहीं दिख रहा हो अंदर आ जाओ, नीचे नहीं दिख रहा हो दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर सबसन करते हैं इसी स्पेसिफिक सब करना है। तो ये और बी दो हुआ है, इसलिए कंडीशन है ये आगे भाग रहा होगा, बी भी कुछ आगे गया होगा। कैच करने का मतलब यहाँ ये होगा कि दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए। मान लो यहाँ पे बी है, इसी पोजीशन पे कौन आ जाए, ए, तो कैच किया वो मान लिया जाएगा। उधर उधर सेम पोजीशन आते तभी नहीं पकड़ पाते, छुड़ा के भाग जाता है। तो सोचिए नहीं करना है कि छुड़ा के भाग रहा है या पुलिस चोर को पकड़ चोर पुलिस को पकड़ रहा है, तो फिर भी ऐसा कुछ लॉजिक देने लगते हो। तो ये सब लॉजिक यहाँ नहीं देना है। कैच करने का सिंपल मतलब हो गया कि दोनों सेम लेवल में आ गया। कैच करने का ही ना मतलब होगा यहाँ पे, अगर दोनों सेम लेवल में आ गया मतलब कैच कर लिया। तो दोनों को बराबर दूरी तय करना होगा या अलग अलग दूरी तय करना होगा कैच करने के लिए, इक्वल डिस्टेंस तय करेगा या कौन ज्यादा ट्रेवल करेगा, ए की बी, ये ज्यादा ट्रेवल करेगा, कितना कितना ज्यादा ट्रेवल करेगा, मतलब डिफरेंस टोटली पूछा बी के कंपेयर में कितना ज्यादा ट्रेवल करेगा, 100 मीटर ना ज्यादा ट्रेवल करेगा। मान लो ये 200 गया था, 300 जाएगा, जो भी हुआ 100 मीटर ज्यादा ट्रेवल करेगा। टोटल कितना होगा नहीं पता हमें, लेकिन ए के कम बी के कंपेयर में ए कितना ट्रेवल करेगा, 100 मीटर ज्यादा ट्रेवल करेगा। एक तो ये सब डिस्कशन में दो चीजों का जरूरत पड़ता है, एक तो दूरी वाला रिलेशन और दूसरा टाइम का। अब बताओ टाइम दोनों का सेम लगेगा क्या अलग अलग लगेगा, ऊपर वाला तो टाइम सेम लगेगा या अलग अलग लगेगा, सॉल्यूशन वाला अलग से डायग्राम कर देना, इधर भी देखी जाना। तो सही है स्टूडेंट, एक भगवान 11 बस एक ही स्टूडेंट है ऑनलाइन, अपना म्यूट करके रखा।
यहाँ पे मान लिया गया कि दोनों मिल रहा है दूसरे से, या तो तुम ये दूरी x मानोगे इधर 100 प्लस x होगा, या इसको x मानोगे 100 माइनस x होगा, ये ना होगा। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज वैल्यू मानते समय ध्यान दे सकते हो, उसमें एक्चुअली में आंसर करते समय गलती करते हो, क्या किसका पूछा डिस्टेंस है a का। अगर मान लो तुम इसको x मान लिए, इसको x मान लिया या 300, तो a का दूरी 300 होगा कि 400 होगा। मान लो तुम इसको x माने कितना आया 300, x का ट्रेवल 300 होगा कि 400 होगा, 400 ऑप्शन में दोनों रहता है 300 और 400, तो x मान लो 300 है, 300 मार के आगे निकल देते हो, गलती करने का पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, क्या गलती करते हो सारा कैलकुलेशन सही होने पे, समझ में आ रहा क्या होगा। अगर मान लो मैं x इसको मान लूं, x मेरा कितना आ गया 300 मीटर, एक ऑप्शन 300 मीटर है, ये नहीं सोचते हो मुझे a का पूछा था, b का नहीं पूछा था, 300 टिक मार के आगे बढ़ जाते हो, क्या सही होगा या गलत हो जाएगा सारा कुछ सही करने के बाद भी। तो रिकमेंडेड यही है कि जिसका पूछे उसी का दूरी x मानो, ऐसा नहीं किसका मान लोगे तो गलत होगा, निकालने में गलत नहीं है, गलती कहां करते हो, अगर वही ऑप्शन मैच करता है तो सोचते नहीं हो हमको किसका निकालना था, क्योंकि जनरली आदत होता है ना किसी कुछ वैल्यू निकाले ऑप्शन में दिख गया ना ऑप्शन वाला, अभी तक तो ऑप्शन वगैरह काम नहीं किया तुमको वैसा, अभी तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज्यादा किए होंगे, लेकिन आगे के लिए पता होगा नीट हो या जेई हो सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन टिक करना है, कोई भी सब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना बोर्ड को छोड़ करके, बोर्ड में सब्जेक्टिव पैटर्न ऑब्जेक्टिव पैटर्न दोनों है, ठीक है। बिहार बोर्ड वाले का ऑब्जेक्टिव ज्यादा होता है, सीबीएसई वाले का ऑब्जेक्टिव कम है, बिहार में तो बिहार बोर्ड वाले में तो ऑब्जेक्टिव भर के रहता है, ठीक है। तो लेकिन इधर अगर कंपटीशन की बात करो, नीट हो जेई हो सब में सारा का सारा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव, वो भले रहे कि वन आंसर हो, सेकेंड टू आंसर हो, मैट्रिक्स हो, जो भी रहे, नहीं कुछ लिखना नहीं है तुम्हें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देना नहीं है, और बोर्ड में देना है, इधर कहीं भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नहीं देना है। तो अगर मान लो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देना हो तो उस केस में स्टेप मार्किंग सोचा भी जा सकता है कि चलो कुछ चार मार्क्स का है, सब कुछ सही किए थे आंसर ही लास्ट में गलत किए, तो तीन गो मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जहां पे ऑप्शन वाला हो, मैच अगर नहीं किया तो तुम्हारा पूरा मेहनत किया, या फिर दोबारा ट्राई करो, अगर मैच कर गया ऑप्शन, अब मैच कर गया और गलत मैच किया तो ज्यादा मेहनत किया, क्योंकि एक मार्क्स निगेटिव भी मिल जाएगा। अगर गलत किया तो क्या, चार मार्क्स तो ऐसे गया तुम्हारा क्वेश्चन का, एक मार्क्स निगेटिव चला गया तो टोटल कितना मार्क्स गया, पांच मार्क्स चला गया टोटल, टोटल पांच मार्क्स का लॉस हो जाएगा अगर गलत मैच किया तो। ये सब चीज ध्यान देना है कि हमें कहां गलती को हम लोग अवॉइड कर सके। तो तुम इसको भी मानोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि a का पूछा है, a का x मान लेते हैं कितना हो जाएगा 100 माइनस x, x माइनस 100, x माइनस 100 हो जाएगा, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 100 मीटर, x मीटर होगा क्या, a के द्वारा दूरी ट्रेवल x ले लिया गया है, तो b कितना ट्रेवल किया होगा x माइनस 100, ये दूरी का हो गया। तो ये भी बोलो उसको भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट में तुम ध्यान दे देना कि ए का पूछा है कि बी का पूछा, उसके ऊपर निकल करोगे टाइम दोनों का समय सेम लगेगा कि अलग अलग लगेगा, टी जीरो पे था ये, यहाँ पे था यहाँ पे था, टी जीरो ये यू जीरो है, एक्सेलरेशन है, इसका कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, पी बी ले रहा हूं, कितना था 10 माइनस है, एक्सेलरेशन a का कितना था 2 मीटर पर सेकंड का, टाइम बताओ, टाइम से लगेगा क्या लगेगा, एक ज्यादा लगेगा क्या b से, ये b कम ट्रेवल किया है, ज्यादा ट्रेवल किया है, एक को ज्यादा समय लग जाएगा b से, ऐसा होगा क्या है, हां ज्यादा दूरी में ज्यादा समय लगता ही है, या उल्टा भी हो सकता है, या बराबर भी लग सकता है, या ज्यादा दूरी पे ज्यादा समय लगेगा, कम दूरी पे कम समय लगेगा, ऐसा होता है क्या, कोई गारंटी नहीं, बहुत बार माइंड में बैठा लेते हो, ज्यादा दूरी तो ज्यादा समय, कम दूरी तो कम समय, एक जैसा जाएगा तब ना। मान लो तुमको यहाँ से एक आदमी को पटना जाना है, और हमने वो यही चलो दरभंगा से, दरभंगा में एयरपोर्ट भी हो गया, एक आदमी को दरभंगा से पटना जाना है, एक आदमी को दरभंगा से दिल्ली जाना है, एक एरोप्लेन पकड़ा दरभंगा से दिल्ली वाला, पता चला दरभंगा से दिल्ली पहुंच गया, और ये भी जामे में गांधी से दूर पड़ता है, पॉसिबिलिटी है ना, ये हो सकता है लेट पहुंचे, घर पे भी पहुंच गया, तो ये आ गया, हाँ अभी जाम में है ना, ऐसा होता है,
खासकर मुंबई में रियल इंसिडेंट मैं अपने फ्रेंड के साथ बता रहा हूँ। ये अपने दोस्त को दुबई के लिए छोड़ के आया, दुबई जाना था उसको, वो दुबई पहुंच गया, मुंबई के जाम में पड़ गया, अभी घर भी नहीं पहुंचा था, वो एयरपोर्ट से घर आना था, केवल मुंबई एयरपोर्ट से टर्मिनल जो भी है एयरपोर्ट से घर आ रहा था अपना, तो अभी जाम में ही फंसा है मुंबई के और दुबई भी पहुंच गया, इसका मतलब थोड़े दुबई नजदीक है उसका घर दूर हो गया, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो अदर कंडीशन इसे डिपेंड करेगा, जनरली माइंड बैठा रहता है इसलिए बता रहा हूँ कि कम दूरी तो कम समय, ज्यादा दूरी तो ज्यादा समय, ऐसा कुछ है नहीं है, अदर कंडीशन भी मैटर करेगा। तो टाइम को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कितना दूरी तय कर रहे हो, टाइम को सिंपली अगर बेसिक चीजों से देखोगे तो मतलब है कि कब तुम जर्नी को स्टार्ट किया और कब एंड किया, यही ना है। दोनों अगर एक समय स्टार्ट किए एक समय एंड किए तो टाइम बराबर लगेगा, ये टाइम बराबर और भी रीजन हो सकता है, दूसरा दूसरे अलग समय दूसरे अलग समय, चूंकि मोशन है एक साथ हो रहा है तो इसी बात कर रहा हूँ। तो अगर दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम हो और एंड टाइम सेम हो तो सेम टाइम लगेगा, डिफरेंट कब हो सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ बात कर रहा हूँ जिससे स्टार्टिंग सेम है लेकिन इन टाइम सेम ना हो तो डिफरेंट हो सकता है, या इन टाइम सेम है स्टार्टिंग सेम ना हो तो डिफरेंट हो सकता है। जनरली यही तीन सिचुएशन ज्यादा आता है, इसके अलावा तो बहुत सारा है, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है, उससे बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो सारे बात नहीं कर रहा हूँ जो है क्वेश्चन में हमारे लिए यूजफुल हो। तो तीन सिचुएशन ज्यादा बनता है कि सेम समय पे स्टार्ट किया सेम समय पे एंड किया, उस केस में टाइम क्या होगा, दोनों को सेम लगेगा कि इक्वल का इक्वल इक्वल लगेगा ना, सेम टाइम लगेगा ना, अगर सेम समय पे इस तरह से देखना है टाइम को, दूरी से कोई मतलब नहीं है, सेम टाइम पे स्टार्ट किया सेम टाइम पे एंड किया तो दोनों को समय बराबर लगेगा। अगर मान लो दोनों का स्टार्ट सेम है लेकिन एंड सेम नहीं है, सेम टाइम पे एंड नहीं किया तब भी डिफरेंट लगेगा, या एंड सेम है स्टार्ट सेम नहीं है तब भी डिफरेंट लगेगा। अब किसको ज्यादा लगेगा किसको कम लगेगा आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन दूंगा अभी तब उस पर बात करेंगे। यहाँ बताओ सेम टाइम के अलग अलग टाइम, अब बताओ एक ही टाइम पे जर्नी स्टार्ट हुआ अलग अलग टाइम पे, एक ही टाइम पे टी जीरो पे, एक ही टाइम पे जर्नी एंड हुआ अलग अलग टाइम पे, सेम टाइम पे ना कैच किया तो थोड़े खड़ा रहेगा, जाओ तुम मुझे कैच कर लो, दोनों चल ही रहे होंगे, अब इसके बाद भी जर्नी हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा होगा, हम उस प्रॉपर टाइम की बात करें, इसके बाद क्या होगा, तो हो सकता है पहले बी आगे था बी आगे आगे हो जाएगा, क्योंकि ए का वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ए के पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या करता है वेलोसिटी को बढ़ाता है, होता है ना, तो एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी को बढ़ाता है, अगर वेलोसिटी बी से ज्यादा होगा तो आगे नहीं निकल जाएगा उससे, होगा या नहीं होगा, तो हो सकता है इसके बाद ए ज्यादा हो जाए बी क्या हो जाए, बी पीछे रह जाए आगे निकल जाए, अब पहले क्या है बी आगे और ये पीछे है, फिर इसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, तो इस प्रॉपर मोमेंट पे दोनों एक साथ था, वेरी फ्यू मीन मतलब वेरी फ्यू सेकंड भी नहीं बोल सकते हो, मिली सेकंड माइक्रो सेकंड जो भी बोल दो, एक आध सेकंड भी बड़ा चेंज हो जाएगा यहाँ से, तो वेरी फ्यू मोमेंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मोमेंट, जो भी जिसका मैंने वेरी वेरी स्मॉल टाइम को क्या बोलते हो मोमेंट, इस मोमेंट पे वेरी फ्यू मोमेंट 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 बोला जाता है, तो इस समय पे टाइम इक्वल टू टी यहाँ बोल दो, टाइम इक्वल टू टी पे दोनों एक साथ है, तो इसको जितना समय लगा होगा उतना ही समय इसको भी लगेगा, दोनों को टाइम सेम लगेगा, टाइम अलग अलग नहीं लगेगा, ये दो चीज का डिस्कशन करना होगा हर एक क्वेश्चन में, जहां भी दो ऑब्जेक्ट का एक साथ मोशन होगा, क्या चीज दो का, एक दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, एक का एक्स मानोगे तो दूसरा क्या होगा, या क्वेश्चन में अगर दिया है तो दूसरा टाइम टेकन का, एक को टी मानोगे तो दूसरा क्या होगा, अरेस्ट क्वांटिटी मोस्टली दे देता है, वेलोसिटी वगैरह वाला जो कंडीशन है सब दे देता है। अब इसके बाद डिस्कशन तुम्हारा है वही फार्मूला लगाने का, कितने फार्मूला हमारे पास था, तो ध्यान से देखो तो हमारे पास चार फार्मूला था, तीन एक्सेलरेशन का एक कांस्टेंट वेलोसिटी का, टोटल कितने फार्मूला है चार, तीन एक्सेलरेशन का है और एक यहां कौन सा है कांस्टेंट वेलोसिटी, और देखो यहां पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में जो तीन फार्मूला है उनमें से कोई लगेगा, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है कंफर्म एस इक्वल टू वीटी लगेगा, उसके अलावा कोई फार्मूला लगने वाला नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक ही ना फार्मूला है एस इक्वल टू वीटी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये ना होता है तो बी का तो फिक्स फार्मूला है, ए में कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ, बताइए भाई गीता की कैसे हमें देखना है, ए में किनके बीच रिलेशन है, दूरी है, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है क्या नहीं ना पता करना है, एस यू और टी में कौन सा रिलेशन आता है जिसमें बी ना हो, ऐसा करो तो एक ही फॉर्मूला बचेगा,
एस इक्वल टू प्लस आउट इसका, क्योंकि रेस्ट में क्या वी इक्वल टू प्लस एटी, वी आ गया, वी तो हमें चाहिए नहीं, वी ने क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी तरह से ना इक्वेशन चेक करना है, वी ने क्वेश्चन दिया है, बात फाइनल फाइनल रेस्ट मतलब यहां वाला रेस्ट ने क्वेश्चन दिया है ना, तुमसे पूछ रहा है, पूछा भी नहीं है, देखिए उस पे चलने जा, तो एक फार्मूला में क्या है वी इक्वल टू प्लस एटी, वी आ गया, नहीं लेना है वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस टू, वी आ गया, नहीं लेना है, एक ही ना बच रहा है कौन सा, एस इक्वल टू प्लस आउट इसका, तो थोड़ा सा ध्यान दो तो बहुत आसानी से तुम चेक कर सकते हो कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तीनों में या चारों में। फॉर्मूला यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ mt स्क्वायर, s इसका कितना है x, x है a का 100 नहीं, a कितना दूरी तय किया कितना यहां से यहां गया है a, ये 100 प्लस x नहीं होगा, x इसको थोड़े में मानता हूं, x को पूरा पूरा x n मतलब मीटर है, x m m मतलब x को ब्रैकेट में लिखा दिया, m मींस मीटर, u कितना है 0 हाफ एक्सेलरेशन है 2 और टाइम कितना है t स्क्वायर है, यानी x जो है t स्क्वायर के बराबर होगा। b के लिए देखो, b के लिए क्या होगा, कौन सा फार्मूला, इसके लिए फिक्स है s इक्वल टू bt, इसका तो फिक्स है ना, s इक्वल टू क्या vt कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका दूरी कितना ट्रेवल किया x माइनस 100 ये ना है v का ही ना दूरी हुआ, ये v ट्रेवल किया, ये वाला a ट्रेवल किया, ये कितना ट्रेवल किया x, v कितना किया x माइनस 100, ये ट्रेवल किया x, ये ट्रेवल किया x माइनस 100, तो v का वेलोसिटी कितना 10 और टाइम कितना 10, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 प्लस 10 दोनों को सुन कर इस वाली टाइम 0 इससे वर्ष 0 टाइम के लिए लिया जाता है, टाइम कितना लगा 0 सेकंड लगा है, 30 सेकंड लगा है, तो s की वैल्यू टी प्लस हाफ के हिसाब से टाइम जो होता है टाइम टेकन होता है, कितना समय उसको लगा जर्नी में, x को इक्वेट कर लो फर्स्ट एंड सेकंड से, t स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 10 t, देखो कोई वैल्यू और बन सकता है t स्क्वायर माइनस 10 t माइनस 100 इक्वल टू फैक्टर, तो ऐसे नहीं बनने वाला, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का दो तरीका होता है, एक फैक्टर बन जाएगा, तो फैक्टर तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, जोड़ के 10 है मल्टीप्लाई करके 100 आए, 10 * 10 20 होता, 20 रहता तो हो सकता था, 10 पे तो नहीं होगा, इसको सॉल्व करो माइनस ऑफ माइनस 10 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट है बी स्क्वायर माइनस 4 ए इनटू सी डिवाइडेड बाय 2 ए, होता है ना, होता है फार्मूला क्वाड्रेटिक का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाय 2 ए, सी की जगह माइनस 100 लेना होगा, ध्यान रहे 100 भी कोफिशिएंट के साथ लेते हैं, बी में यहाँ पे गलत हो सकता है, यहाँ पे चलो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा, फिर टी का वैल्यू कितना आएगा, टेन प्लस में हो जाएगा प्लस माइनस, ये 100 हो गया, ये 400 हो गया डिवाइड बाय 2, टेन प्लस माइनस अंडर 500 बाय 2, 500 को कितना लिख सकते हो, 25 रूट 2 लिख सकते हो क्या, 25 नहीं होगा, 25 नहीं, 25 नहीं होगा, 10 रूट 5 होगा, हाँ 10 रूट 5 होगा, 10 प्लस माइनस 10 रूट 5 बाय 2, प्लस में नहीं लोगे कि माइनस वाला दिया, माइनस लोगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, टाइम नेगेटिव का तो कोई सेंस नहीं होता है, तो टाइम पॉजिटिव ही लेना है, टाइम नेगेटिव एक तरह से हो जाता है कि जो भी ये हुआ उससे पहले का, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं ना, ये जीरो पे जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो टाइम नेगेटिव का मतलब होता है कि तुम पहले से मोशन करते आ रहे हो, अभी का मैं यहाँ से स्टार्ट देख रहा हूँ तुम्हारा, इधर पॉजिटिव हो गया तो जो पहले किए पास्ट में तो तुम्हारा टाइम नेगेटिव हुआ, टाइम नेगेटिव मतलब पास्ट हो जाता है एक तरह से, टाइम जीरो मतलब प्रेजेंट, और टाइम जो भी आगे बढ़ो उसका फ्यूचर वाला बात हो गया, ये आगे क्या करने वाला है, कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 रूट 5 बाय 2, जो ऊपर लिख दे रहा
नोटाउन कर लो, इधर सोल्व कर लेते, नोटाउन कर लो। तो n plus n root 5 by 2 हो जाएगा, 5 plus 5 root 5 second, ये आंसर है। तो डेसिमल में कर सकते हो चाहो तो, वैल्यू को डेसिमल में करोगे तो भी वहां से आ जाएगा। और दूरी निकालना x, x का वैल्यू t स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 में देखो x जो है t स्क्वायर के बराबर है, इक्वेशन 1 में आया हुआ है x जो है t स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर कर दो ये आ जाएगा 5 का बाहर करोगे तो 25 हो जाएगा 1 प्लस 5 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हो, रूट 5 का 5 ये 2 रूट 5 हो जाएगा। इस पैटर्न में कर लो या थोड़ा सिंपलीफाई कर लो तो कर सकते हो 150 या तो रूट 5 का वैल्यू फुल करके डेसिमल कर लो, ऐसे जरूरत नहीं पड़ता ऑप्शन में भी इसी पैटर्न पे। हां ठीक है, ये जनरली डेसिमल में आंसर में पूछा नहीं जाता है, ऑप्शन नंबर मोस्टली इसी पैटर्न। Next question.
Y A and B. Y B. बातें तो लोग एक साथ तीन बुक में बैठे गए अलग अलग एक बैच पे दो मैच में बैठे Y A and B start their motion from same point B. Send that. एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें एक ही डायरेक्शन में वाई ये मूव ये स्टार्ट है टी इक्वल टू जीरो मूव ये B star at B equal 4 seconds with zero initial velocity. Zero initial velocity and constant acceleration of 2 meter per second. Find time when audience find time when Y A will catch while we will catch while देखो कुछ लैंग्वेज में डिस्कशन दिया गया है इसको नोट डाउन करो फिर क्वेश्चन भी कर लो डायग्राम में करवा देखो सोल्यूशन का देखो दोनों दूरी सेम ट्रेवल करेगा टाइम सेम लगेगा अलग अलग लगेगा तो ये डिस्कशन करना है दोनों डिस्टेंस ट्रेवल का क्या रिलेशन होगा और टाइम टेबल का क्या रिलेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सर 4 मिनट की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में टाइम 4 सेकंड विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी टाइम 4 सेकंड विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड टाइम व्हेन बाय बी विल कैच बाय ए सुनिए तो दोनों क्लियर से स्टार्ट किया कि दोबारा कब कैच करेगा उसकी बात कर रहा है अगेन कैच कर भी पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा
दोनों सेम टाइम पे मोशन स्टार्ट किया है क्या? नहीं किया है। एक टी जीरो पे किया है, टी इक्वल टू 4 सेकेंड। दैट मीन्स जो टाइम है डिफरेंट लगने का चांसेस है ना होगा, क्योंकि सेम टाइम तभी लगता है जब सेम स्टार्ट हो सेम इंड हो, क्योंकि अगर डिफरेंट स्टार्ट होगा सेम इंड होगा या डिफरेंट इंड होगा तो टाइम डिफरेंट ही लेके चलना होगा, जब तक क्वेश्चन मेंशन ना करे कि सेम टाइम लिया। तो ये क्वेश्चन तो मेंशन ही नहीं किया कि सेम टाइम लिया, दैट मीन डिफरेंट टाइम ही लगना है। अब उस टाइम में अगर हम लोग रिलेशन लिख लें तो कुछ काम बन सकता है। वेरिएबल कब होगा, जैसे 22 मानोगे वेरिएबल ज्यादा हो जाएगा, तो देखते हैं क्या रिलेशन हो सकता है। दूरी बताओ, दूरी सेम तय करेगा क्या अलग अलग? सेम ना, एक ही पॉइंट से दोनों स्टार्ट किया है और कैच करेगा तो एक ही पॉइंट पे करेगा ना, यानी एक वहां से दूसरा वहां तक कैच कर लेगा, ऐसा तो नहीं है। कैच करने का मतलब ये हो रहा है कि दोनों एक पोजीशन पे आया हो, ऐ नहीं कि हाथ ऐसे फैला के कैच कर लिया या लगी से कैच कर लिया, वो नहीं है। कैच करने का सिंपल यहाँ मतलब हो रहा है कि दोनों सेम पोजिशन पे आ गया, उसके बाद वो कैच किया, पकड़ा नहीं पकड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। तो फाइनल पोजिशन सेम है, कैच किया और फाइनल पोजीशन सेम है, उसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता। और फाइनल टाइम सेम है, तभी ना कैच करेगा एक ही समय पर ना रहेगा, तो फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल पोजीशन में सेम था तो दूरी सेम होगा। तो दोनों का दूरी डिस्टेंस ट्रेवल सेम होने वाला है, दो अलग अलग डायग्राम भी कर सकते हैं, ए का है बी का है। टी 4 सेकंड पे चलना शुरू किया, टी इक्वल 0 पे चलना शुरू किया, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है ना इसका, ए का, और ए का कांस्टेंट था कितना, 10 मीटर पर सेकंड। अब मान लो यहां पे कैच कर रहा, यहां पे आ गया, उस मोमेंट से बी भी यही पे आया हो सेम लेवल में, ये दूरी अगर x लेवल होगा तो ये दूरी कितना का लेवल होगा, x टाइम t है, दोनों का टाइम जो है यहां पे t है, t माइनस या t प्लस कितना, t प्लस 4, टाइम b को ज्यादा लगेगा। देखो एग्जांपल से, मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ से घर तुम्हारे घर जा रहे हैं, अपने घर इनवाइट किए खाने पीने के लिए, मान लो तुम्हारा दोस्त पहले निकल गया आधे घंटा, तुम लोग आते हैं कुछ काम है, तुम्हारा दोस्त पहले निकला आधे घंटा, तुम आधे घंटा लेट से निकले, तुम्हारा दोस्त जिस भी रास्ते से गया हो, तुम जिस रास्ते से गए हो, डजंट मैटर, दोनों सेम टाइम पे पहुंचे घर पे। मान लो दोनों तो किसको ज्यादा समय लगा, दोस्त को कि तुमको? दोस्त को ना, क्यों? क्योंकि आधा घंटा पहले निकला था, तुम तो बाद में निकले सेम टाइम पे पहुंचे, तो तुमको तो कम लगा ना। अब बताओ ये 4 सेकंड पहले निकल चुका है, ये 4 सेकंड बाद निकला है, ये 4 सेकंड लेट से निकला है मोशन करने, और दोनों सेम टाइम पे पहुंचा है, तो किसको समय ज्यादा लगेगा, ए को कि बी को? ए को ना, बी को कम ना समय लगेगा, तो टी प्लस 4 होगा कि टी माइनस 4 होगा? टी माइनस 4 होगा, तो ये सब ध्यान रहेगा। अगर इसको टी लोगे तो टी प्लस 4 हो जाएगा, उसको टी लोगे तो ये टी माइनस 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना लैंग्वेज क्या था क्वेश्चन में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टी मानेंगे क्या था लैंग्वेज। फाइंड टाइम व्हेन वाई बी विल कैच वाई ए, अच्छा क्या निकालना है आपके लैंग्वेज, क्या समझ में आ रहा है? फाइंड टाइम, टाइम टेकन बाय ए की टाइम टेकन बाय बी निकालना है, क्योंकि ए से का टाइम टेकन अलग होगा, बी का टाइम टेकन अलग होगा, तो क्या निकालना क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बी का। देखो लैंग्वेज है फाइंड टाइम, तुमको टाइम पता करना है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि जैसे अभी मान लो 10 बज रहा है, जो भी टाइम रहा मान लो, अभी कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, आधे घंटा बाद हो जाएगा 10:30, कहीं गए तुम आधा घंटा लगा, तो टाइम टेकन पूछा जाएगा तो कितना बोलोगे, कितना समय लिया,
आधा घंटा। अब किस समय पे पहुंचे तो क्या बोलोगे, आधा घंटा, दस बज के तीस मिनट, आधा घंटा बोलोगे, दस बज के तीस मिनट में। क्या पूछ रहा है, टाइम लेकिन पूछ रहा है कि प्रॉपर टाइम पूछ रहा है, प्रॉपर टाइम पूछ रहा है, ये लैंग्वेज ध्यान देना है। तो प्रॉपर टाइम पूछ रहा है मतलब टाइम बताना है तुम्हें, यहाँ टी जीरो है, यहाँ का टाइम बताना है, मतलब इतना से एक के द्वारा टाइम लेकिन तुमको बताना है, बी के द्वारा नहीं। बात क्लियर हो रहा है, फाइंड टाइम लिख रहा है, टाइम का वैल्यू पूछ रहा है कि किस टाइम पे, यहाँ का जीरो माने, यहाँ का कौन से टाइम पे बी ए बी को कैच किया होगा या बी ए को कैच किया होगा, जो भी लैंग्वेज है, किस प्रॉपर टाइम पे, टाइम टेकन नहीं पूछा गया है। अगर टाइम टेकन पूछता तब तो जिसका पूछा उसके अकॉर्डिंग निकाल लो, अब प्रॉपर टाइम पूछा है तो टी जीरो से काउंटिंग करते हैं, टी जीरो जहां भी रहा होगा, भाई तो यहाँ रहा है यहाँ पे, तो ए का टाइम एक तरह से हो गया, कोई गारंटी नहीं कि एक आओ, किसी का भी हो सकता है। टाइम अगर प्रॉपर पूछेगा तो टी जीरो से कैलकुलेशन लेना है, और टाइम टेकन पूछेगा तो जिसका है उसका ले लो, ए का पूछ रहा है ए का ले लो, बी का पूछ रहा है तो बी का ले लो। तो ओवरऑल तीन डिस्कशन हो रहा है टाइम कैलकुलेशन, एक तो ए के द्वारा टाइम टेकन, एक बी के द्वारा टाइम टेकन, एक प्रॉपर टाइम, और यहाँ बाय डिफॉल्ट ए का टाइम टेकन प्रॉपर टाइम के बराबर है, क्योंकि ए का जो जर्नी स्टार्ट हुआ कहाँ से स्टार्ट हुआ, टी जीरो से, इसीलिए ऐसा होता है। अगर टी जीरो कहीं और मान लिया जाता तो ऐसा नहीं होता, तो सब चीजें ध्यान देना, तो हमें टी ही निकालना है, ए के द्वारा जो है यहाँ टाइम टी, इसलिए मैं लिख रहा था टाइम टी, यही हमें निकालना है टाइम टी कितने के बराबर, ए को टी से कहने लगा तो बी को कितना लगेगा, टी प्लस टी माइनस, टी माइनस फोर, टी माइनस फोर लगेगा। अब ये अगर लिख कर दिए सही से तो उसके बाद कुछ नहीं, क्वेश्चन में इक्वेशन लिखो, मैथ करो, तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो यही है, उसके बाद तो मैथ ही होगा ना, मैथ तो सही से करना पड़ेगा, मैथ तो मोस्टली यहाँ क्वाड्रेटिक बनने वाला है, ठीक है। इक्वेशन वाइज कांस्टेंट वेलोसिटी एस इक्वल टू वीटी लगा लो, कांस्टेंट वेलोसिटी लगा है 6 मिनट है अभी, 6 मिनट 41 सेकंड, तो कांस्टेंट वेलोसिटी अगर है, रिकॉर्डिंग कट गया।